तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे हम आएंगे सर्वर वन, उसके बाद पोस्ट एसक्यूएल 10, उसके बाद डेटाबेस। जैसे हम डेटाबेस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, लेफ्ट सॉरी, यहाँ पे हम डेटाबेस को ओपन करेंगे। जैसे हम डेटाबेस ओपन करेंगे, यहाँ पे कुछ हमने डेटाबेस बाय डिफॉल्ट बनाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं पोस्ट एसक्यूएल पे लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पर आऊंगा क्यूरी टूल के ऊपर, ठीक है। क्यूरी टूल पर जैसे मैं आऊंगा, यहाँ पर मेरे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे मैं अपनी क्यूरीज को परफॉर्म करूंगा, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट क्यूरी होगी वो ये होगी कि भाई हम कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। अब डेटाबेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आईटी एंड सीएस, आईटी एंड सीएस, इट मींस यहाँ पे दोनों बेचीज का मैं डेटाबेस बना रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट ऑल करूंगा, उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास कमांड है एग्जीक्यूट आर फ्रेश F5, ठीक है। पहले मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे मेरी जो क्यूरी है वो प्रोसेस हो रही है। थोड़ी देर में यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। वेटिंग फॉर द क्यूरी एग्जीक्यूशन, थोड़ा टाइम वेट करते हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ पे पॉपअप आ चुका है, क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली इन 10 सेकेंड्स। और यहाँ पे भी हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ चुका है, जो आप लोगों ने क्यूरी एग्जीक्यूट की है वो प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आएंगे, डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, हमारे पास क्या हो गया, आईटी और सीएस का डेटाबेस आ गया। अभी हम डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है, हमने सिर्फ डेटाबेस बनाया है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया भाई डेटाबेस कनेक्टेड। जो हमने डेटाबेस बनाया था उससे हम क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, ठीक है। जैसे हमारे पास सीएस स्टूडेंट है, हम इससे कनेक्टेड नहीं है, और स्टूडेंट है ये भी इससे हम कनेक्टेड नहीं, लेकिन हम जो कनेक्टेड है ना करंट टाइम, वो कनेक्टेड है किसके साथ, आईटी सीएस के साथ, ठीक है। फर्स्ट हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया, टास्क परफॉर्म कर लिया कि हम डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। उसके बाद हम आएंगे, मैं यहाँ पे कमेंट देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्रिएटिंग अ टेबल। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे हम आते हैं क्रिएट टेबल बनाने के लिए, हम आप यहाँ पे कमांड लिखनी होती है क्रिएट क्रिएट टेबल। अब टेबल तो आ गया, अब उसे टेबल का नाम है क्या, तो यहाँ पे आईटी अंडरस्कोर सीएस अंडरस्कोर इन्फो। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने एक टेबल बनाई, टेबल बना रहा हूँ, जिसका जो मैंने नाम रखा है टेबल का, यहाँ पे रखा है आईटी सीएस इन्फो, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ नीचे, यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट्स ओपन की। अब राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूंगा स्टूडेंट नेम STD अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम तो यहाँ पे मैं क्या हो गया, मेरा एट्रीब्यूट हो गया, कॉलम हो गया। अब स्टूडेंट नेम तो हो गया, अब इसके बाद इसकी डेटा टाइप बतानी है, क्योंकि हम जब भी कोई डेटा सेव करते हैं तो उसके आगे उसकी डेटा टाइप बतानी होती है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम, नेम क्या है हमारे पास, करेक्टर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, करेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास एक एक्सटेंडेड डेटाबेस आती है टेक्स्ट, यहाँ पे क्या आ गया टेक्स्ट, इट मीन्स यहाँ पे जो हम डेटा एड करेंगे वो सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में एड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देंगे कामा, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम देंगे स्टूडेंट नेम हो गया, उसके बाद स्टूडेंट रोल नंबर, चलो पहले रोल नंबर कर देते हैं, बाद में हम STD अंडरस्कोर रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या होगी, रोल नंबर की डेटा टाइप क्या होती है, इंटीजर। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंट कर देंगे इसको, ठीक है। हम इसको न्यूमेरिक भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पोस्ट केस के लिए वो मल्टीपल से डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, उसको हम मल्टीपल से एडवांस फॉर्म में कह सकते हैं। लेट सपोज इंटीजियर न्यूमेरिक टेक्स्ट करेक्टर वार्चर, इट्स अप टू यू कि आप लोग कौन से डेटा टाइप में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं क्या, स्टूडेंट रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट आईडी नेम हो गया, और स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट सेमेस्टर, सेमेस्टर सेमेस्टर, ठीक है। अब सेमेस्टर भी हमारे पास किस फॉर्म में होगा, टेक्स्ट फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है।
अच्छा मैं आप लोगों को यहाँ पे सवाल होना चाहिए सर, आप लोग यहाँ पे करेक्टर यूज क्यों नहीं कर रहे? बेसिकली करेक्टर में इसलिए यहाँ पे यूज नहीं कर रहा क्योंकि हमें करेक्टर का साइज डिफाइन करना होता है। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ CHAR 4, उसके बाद में आया उसका उसका साइज डिफाइन किया कि भाई मैं यहाँ पे सिर्फ 30 करेक्टर्स लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ तो आप लोग कितना बड़ा भी टेक्स्ट हो आप यहाँ पे इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गए हमारे पास स्टूडेंट सेमेस्टर हो गया और स्टूडेंट एड्रेस चलो बना देते हैं, स्टूडेंट एड्रेस STD_ ईमेल कर दो, ईमेल ईमेल ये भी हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में होगी और उसका स्टूडेंट एड्रेस STD_ address, ठीक है, वो हमारे पास ये भी टेक्स्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। अब क्या हमारे पास ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, देखते हैं क्या कोई हमने कोई गलती तो नहीं की। इसको हम सिलेक्ट करेंगे पूरी जो टेबल हमने बनाई है, जो भी हम क्यूरी बनाएंगे या क्रिएट करेंगे उसको हमें पहले सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। सिलेक्ट करके इस पे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट पे बटन के ऊपर प्रेस करेंगे। देखिए हमारे पास रिजल्ट आ चुका है कि भाई क्यूरी सक्सेसफुली आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारी जो टेबल है वो बन चुकी है, ठीक है। अब दोबारा आएंगे डेटाबेस को सिलेक्ट किया हुआ है उसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश किया, अब रिफ्रेश के अंदर जाएंगे स्कीमा, जैसे मैंने बताया था कि हाँ भाई भाई डेटाबेस के अंदर हमारी जो टेबल होती है वो क्या होती है, स्कीमा होती है, लॉजिकल डिजाइन होता है हमारे डेटाबेस का। हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आएंगे पब्लिक के ऊपर, पब्लिक के ऊपर हम जाएंगे टेबल्स फॉर्म में। अब देखिए हमने कितने टेबल बनाए हुए हैं, यहाँ पे टेबल हमारे पास शो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, 2 मिनट बाद देखते हैं। मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ या डेटाबेस पूरे को रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। हमने रिफ्रेश किया, CSITCS में आए, स्कीमा में, पब्लिक में, उसके बाद टेबल्स में, ये कौन सा डेटाबेस में बन गया, आई थिंक PostgreSQL में बनाए क्या, इसके अंदर आते हैं, ठीक है। पब्लिक टेबल, अच्छा जी ये तो भाई उसमें कनेक्ट हो गया हमारा, जो बेसिकली हम कनेक्ट हुए हैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट हुए हैं, ये हम उसमें कनेक्ट हुए हैं, पोस्ट के साथ कनेक्ट हुए हैं। यहाँ पे हमारी जो टेबल है वो देखो क्रिएट हो गई है, बेसिकली जो हमने डेटाबेस बनाया था वो हम कनेक्ट हुए थे किसके साथ, पोस्ट बीएस के साथ कनेक्ट हुए थे, तो उसने क्या किया हमारा जो टेबल है वो इसमें बना दी। अब बेसिकली जब आप दोबारा कनेक्ट होंगे डेटाबेस के साथ तब आप अपने प्रॉपर वे में उसके साथ उस टेबल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। हमने टेबल तो बना दी, अब टेबल में हमारे पास कौन कौन से कॉलम है ये आपको दिखाएगा, देखें इन टेबल इन्फो के अंदर हम आएंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से, अब कॉलम पे क्लिक करेंगे, कॉलम कौन कौन से, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सेमेस्टर, स्टूडेंट ईमेल और स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, अगर हमें डेटा को फेच करना हो, याद कीजिएगा अगर हमें डेटा को फेच करना हो तो यहाँ पे कौन से कमांड लगाएंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम IT_CS_info, ये हमारे पास क्यूरी है जो हमें क्या करेगा टेबल में से सारा रिकॉर्ड सिलेक्ट करके ले आएगा, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखें भाई रिकॉर्ड तो हमने ऐड किया ही नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड आएगा कैसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिकॉर्ड ऐड करना है। अब ऐड करने का तरीका क्या है, आ जाओ भाई हम इसमें अपनी अप्लाई करते हैं, इंसर्ट इनटू, भाई इंसर्ट किसमें करना है, टेबल के अंदर, टेबल का नाम क्या है हमारे पास IT_CS_info, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमने टेबल दे दी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज एक कीवर्ड है वो हम यहाँ पे लेके डिफाइन करेंगे। अब हमारे पास पहला पहला क्या है, स्टूडेंट रोल नंबर, रोल नंबर हमारे पास क्या है, इंटीजर, तो हम यहाँ पे दे देंगे 01, ठीक है। उसके बाद कामा, उसके बाद स्टूडेंट नेम, अब स्टूडेंट नेम हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है तो वो कहाँ किसमें सेव होता है, इनवर्टेड कॉमास में हमारे पास स्टोर होता है। लेट सपोज 01 रोल नंबर किसका है यहाँ पे, आईटी और सीएस में, सर 01 मेरा है, किसका है, हसन सर मेरा है 01, हसन HASAN हसन, ठीक है। उसके बाद हसन भाई आप लोग कामा, उसके बाद आप कौन से सेमेस्टर में हैं, आप हैं फोर्थ सेमेस्टर में, फोर्थ
फोर्थ सेमेस्टर में आप इनरोल्ड हैं, उसके बाद आपकी ईमेल क्या है, लेट सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ hassan123@gmail.com, ठीक है, उसके बाद कामा देंगे, उसके बाद आपका एड्रेस क्या है, मैं एड्रेस कर रहा हूँ आपका NF, क्या भाई आप नौशहर फिरोज में रहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, क्यूरी क्रिएट हो गई, इसको देखें सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सिलेक्ट किया और इसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो क्यूरी है वो सक्सेसफुल रिटर्न हो गई है। अब हम कैसे चेक करेंगे भाई हमारे पास डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, कैसे चेक करेंगे बताएं मुझे। सर ये अपनी कमांड चलाएंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ITNCS, बिल्कुल बिल्कुल, हम ये सिलेक्ट वाली कमांड यूज करेंगे, इसको हम कहते हैं स्टैटिक, इट मींस ऑल, जितना भी डेटा है हमारे पास वो फेच करके ले आओ, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और इसको F5 प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भाई रोल नंबर हमारे पास हसन है, स्टूडेंट नेम रोल नंबर 1 है, स्टूडेंट नेम हसन है और स्टूडेंट उसका जो सेमेस्टर है वो 4th है, स्टूडेंट ईमेल है आपकी hassan123@gmail.com और आपका जो एड्रेस है वो आप NF में रहते हैं। तो बेसिकली आज के इस लैब मैनुअल में हमने सीखा कि हम डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं और उसके अंदर टेबल कैसे बनाते हैं, इट मींस स्कीमा कैसे डिजाइन करते हैं और मेन चीज उसमें हम डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, उसकी उसकी क्या मतलब क्राइटेरिया है, क्या उसका सिंटैक्स है। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में, क्लियर जी सर। सर ये कीवर्ड क्या होता है सर? यस सर। क्या सर जो कीवर्ड होता है वो नंबर एक फॉर्म में लगाते हैं तो हम